आज मैं आपको एक हिंदी स्टोरी सुनाऊंगी जिसका नाम है चंचला चींटी और सोनू कबूतर। एक चंचला चींटी थी, वह बहुत चंचल थी। वह हमेशा कभी कहीं घूमती रहती थी, कभी पेड़ पर चढ़ जाती थी, कभी नदी किनारे चली जाती थी, तो इसलिए उसका नेम चंचला चींटी थी। ओके, एक दिन चंचला चींटी पहाड़ पर चढ़ गई और पहाड़ पर चढ़ते चढ़ते वह नदी में गिर गई। नदी में गिरने के बाद वह अप एंड डाउन करने लगी है, कभी नदी के किनारे आ जाती, कभी नदी के बीच में चली जाती है ना। वो और कह रही थी बचाओ बचाओ बचाओ। एक तभी सोनू कबूतर ये सब देख रहा था कि चंचला चींटी नदी में गिर गई है, और कबूतर ने सोचा कि इसको कैसे बचाया जाए चींटी को। कबूतर ने जिस डाल पे कबूतर बैठा हुआ था उसी पे से एक पत्ता तोड़ के नदी में गिरा दिया। चंचला चींटी पत्ते के ऊपर बैठ गई और नदी के किनारे वापस आ गई। तभी कबूतर से कहा, भाई तुमने मेरी जान बचाई, इसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई आपको मुसीबत आए तो आप मुझसे कह सकते हो, मैं आपकी हमेशा हमेशा मदद करने के लिए तैयार हूँ। कबूतर ने चींटी से कहा कि आप तो बहुत छोटी हो, आप मेरी मदद कैसे करोगी। कोई बात नहीं बहन, है ना। इतने में चींटी वहां से चली गई। एक दिन जब सोनू कबूतर पेड़ पर बैठा हुआ था तभी वहां पर एक शिकारी आया, और शिकारी को कोई भी शिकार नहीं मिला तो उसने सोनू कबूतर पर ही अपना शिकार करना शुरू कर दिया। ये सब चंचला चींटी देख रही थी, और चंचला चींटी ने दूर से देखा कि अरे ये तो वही सोनू कबूतर है जिसने मेरी जान बचाई थी। तभी चींटी ने आके और उसके शिकारी के पैर में बहुत जोर से काट दिया और शिकारी का निशाना चूक गया। इस तरीके से कबूतर की जान बच गई। कबूतर ने भी चंचला चींटी से कहा, बहन तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और मैं भी आपका आभारी हूँ। इसी तभी चंचला चींटी ने कहा, कोई बात नहीं, एक दूसरे के काम हमेशा आना चाहिए, और इससे शिक्षा मिलती है, इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए मुसीबत के टाइम पर। एंड शिक्षा है कि हमें